अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स एंड हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स। ब्रदर्स, एज यू नो वी वर रीडिंग द सेवेंथ पैराग्राफ। टुडे वी विल रीड द रिमेनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। लेट्स एंड सी द टेक्स्ट फ्रॉम हियर। वी हैव हियर्ड that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time. Though the latter informs and animates the former, that has been the main purpose of education. For some centuries, we neglected our women folk, our tradition, however, has somewhat different. Aziz Talaba, हम और आप ये सातवां पैराग्राफ पढ़ रहे थे जो कि काफी लंबा था। आइए इसका जो बकिया है इसका तर्जुमा और अल्फाज भी यहां देखते हैं। वी हैव हियर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ। कह रहे हैं कि वी हैव हियर्ड, हम सुन चुके हैं, हमने सुना है दैट द चीफ पर्पज के असल मकसद ऑफ एजुकेशन, तालीम का असल मकसद इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, सिर्फ महारत का हासिल कर लेना या मालूमात का जमा कर लेना, मालूमात हासिल कर लेना नहीं है। वी हैव हियर्ड, हम सुन चुके हैं, हमने सुना है दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन कि तालीम का असल मकसद इज नॉट मेयरली सिर्फ द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, सलाहियत का और इंफॉर्मेशन या मालूमात का हासिल कर लेना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि आला जिंदगी में दाखिल होना है, एंट्री करना है, दुखूल करना है, बल्कि आला जिंदगी में दाखिल होना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में प्रवेश करना और दुखूल करना है विच ट्रांसेंड्स, जो कि अबूर करता है द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, ऐसी दुनिया को जो कि खला और टाइम से परे है, जो कि खला और वक्त से बढ़कर है। तो इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में दाखिल होना है विच ट्रांसेंड्स, जो उभूर कर जाता है द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, खला की दुनिया को एंड टाइम और वक्त की दुनिया को। दाओ हालांकि द लेटर इन्फॉर्म्स मुआखिरुद्दिक्र ये मालूमात देता है एंड एनिमेट्स और तकवियत देता है द फॉर्मर साबका वाले को। हालांकि बाद वाली दुनिया पहले वाली दुनिया को तकवियत और मालूमात देती है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज, यही असल मकसद रहा है ऑफ एजुकेशन, तालीम का यही असल मकसद है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सदियों से, वी नेग्लेक्टेड अवर विमेन फॉर, हमने अपनी खवातीन कबीले को या खवातीन जिंस को नजरअंदाज कर दिया है। अवर ट्रेडिशन, हमारी रिवायत, हमेवर अलबत्ता हैज बीन समवट डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ रही है हमारी रिवायत, अलबत्ता कुछ मुख्तलिफ रही है, कुछ अलग रही है, लेकिन ये बात सच है कि हमने अपनी
ख्वातीनों को नजरअंदाज किया है। अजीज तलबा, ये आपका सातवां पैराग्राफ था जो जिसका तर्जुमा मुकम्मल हुआ है। आइए अब इसके तहत कुछ मीनिंग्स हैं, इसको लिख लेते हैं। इसे पर्पस, PURPOSE, पर्पस मकसद, पर्पस मकसद, मेयरली MERELY, मेयरली सिर्फ, फकत, एक्वायर AQUIRE, एक्वायर एक्वायर हासिल करना, पाना, स्किल महारत SKILL, स्किल महारत, इंफॉर्मेशन INFORMATION, इंफॉर्मेशन, इल्म मालूमात, मालूमात, इनिशिएशन INITIATION, इनिशिएशन, दुखूल, दाखिला, टू ट्रांसेंड, टू ट्रांसेंड उबूर करना, सबकत ले जाना, स्पेस खला, स्पेस खला, लेटर LETER, लेटर, मुआखिरुद्दिक्र, पिछला, बाद वाला, टू इन्फॉर्म INFORM, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मुतला करना, खबर देना, फॉर्मर FORM, फॉर्मर अव्वल जिक्र, पहले वाला, टू नेग्लेक्ट NEGLECT, नेग्लेक्ट नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, फोक FOLK, फोक एल साइलेंट रहेगा, कबीला, कौम, फिरका, ट्रेडिशन TRADITION, ट्रेडिशन, रिवायत, रस्मों रवाज, हवेवर HOWEVER, हवेवर ताहम, ताहम बहरहाल, इसके बावजूद, अलबत्ता, ये मीनिंग्स हैं आपके इस सातवें पैराग्राफ की बची हुई जो इबारत थी उसकी, इसको लिख करके याद करना है इस तरीके के साथ, और बार बार पढ़ते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप, हम आप लोगों को कल अगली वीडियो में अगले नए पैराग्राफ के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।